लगा, मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि बताने से काम होता। हम लोग पता है क्या ना, हम लोग बहुत संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, जबकि है हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम शर्म बहुत करते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, वो क्या पड़ोसी क्या कहेगा, बगल वाला क्या, अरे भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता, जब तुम दिक्कत में होते कौन आता तुम्हारे पास, फिर किस बात की शर्म। अमिताभ बच्चन को पूरी दुनिया जानती है, जानती है कि नहीं जानती, वो पैसे में हमसे अमीर है कि नहीं है, वो करोड़पति इंसान है, पूरी दुनिया उसको जानती है, फिर भी वो टीवी पे आता है और कहते लगा लो बोरो प्लस। सही है कि नहीं है, वो होते नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, बोलता कि नहीं बोलता। तो जब उसको शर्म नहीं है, क्योंकि उसे पता है पैसे कमाना कैसे है, हमें तो कितना आसान मौका है, खुद यूज करो तो लोगों को बताओ, और अगर लोग ठीक हो गए तो दुआ भी देते हैं। सही है कि नहीं देते हैं, जो लोग ठीक हो जाते हैं वो अपना दुआ भी देते हैं और लोगों को मिलवाते भी हैं। सही बात है कि नहीं है, तो इतना सिंपल काम है, और कोई प्रेशर नहीं, अपने घर पे रहो, कहीं भी रहो, कहीं से भी बताओ, कोई ड्यूटी नहीं है, आप जहाँ भी जाओ वहीं चर्चा करके काम शुरू कर सकते हो। आपने कोई लाखों रुपए लगाया क्या? अरे देखो उन लोगों को मार्केट में जिन्होंने लाखों रुपए लगा रखा, मार्केट की एक दुकान निकल जाए ना और 10 लोग ना खूंटे तो गारंटी है, बोलेगा बहन जी देख लो। सही है कि नहीं है, कितना पैसा लगाया उसने, और बुलाता रास्ते से कि नहीं बुलाता? अपन ने तो लाखों नहीं लगाया ना, अपन तो सिर्फ बढ़िया से उससे बात करते, समझाते, बताते हो तो बढ़िया से काम होता है। सही बात है कि नहीं? तो बड़ा सिंपल काम है, टेंशन लेने का बिजनेस नहीं है, आप चैन की नींद आराम से सो सकते हो, सुबह आराम से जाग सकते हो। लेकिन यही आपका 10 लाख रुपए लगा होता ना, तो ना चैन की नींद आती और ना चैन से सो पाते। सच्चाई बता रहा हूँ, आपको हमेशा एक डर रहता अंदर से, खोल नहीं जल्दी दुकान, अरे चल नहीं रहा, मार्केट बद्दा चल रहा, अरे उसका वर्करों का पैसा देना है। लेकिन यहाँ कोई टेंशन है क्या? आज काम किया हो गया, अच्छी बात है, कल काम करेंगे हो गया, अच्छी बात है, टेंशन नहीं है दिमाग में। क्यों? क्योंकि लगाया ही क्या है, अरे जो लगाया उसका प्रोडक्ट तो खा पी लिया, अब बचा क्या, तो टेंशन किस बात की है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस से मात्र छोटे से प्रोडक्ट से खरीदारी करके, सिर्फ दुकान चेंज करके, आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ, 13 से 14 महीना आज हो चुका काम करते हुए, अगर मैं आज अपनी इनकम की बात करूँ तो 5.5 लाख से प्लस अर्निंग कर चुका हूँ, कितनी, और आज मात्र 13 से 14 महीने के अंदर 5.5 लाख से प्लस कमा चुका हूँ, और यही इनकम आप 2 से 3 महीने बाद चेक करोगे तो 7 से लेकर 8 लाख के बीच मिलेगी, क्योंकि बोनस भी आ जाने चाहिए। और अपने लेवल कितने हैं, अपने लेवल कितने हैं, और प्लान कितने का है, 100 करोड़ का। 13 से 14 महीने में 6 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं और 2-3 महीने में 7वां लेवल और कंप्लीट होने वाला है। और मैं एक मोटी बात समझा रहा हूं, जब भी हम कोई काम धंधा करते हैं ना, या कोई भी काम करते, तो एक सोच बना के करते कि कब क्या होगा। शादी भी करनी होती किसी की, तो उसके लिए भी प्लानिंग करते कब क्या कैसे होगा। सही बात है कि नहीं है? तो मैं बोलता हूं कि अगर हमें 18 लेवल करने हैं, और मैं कहता हूं अभी मेरे को सिर्फ 2 साल नहीं हुए पूरे, और कितने लेवल हो गए, 7 हो गए, मतलब 6 हो गए, 7वां चल रहा है। मैं अगर दुर्गेश मैम की बात करूं तो 3 हो गए, चौथा चल रहा है। अगर शांति मैम की बात करूं तो 3 हो गए, चौथा चल रहा है। सही है कि नहीं है? अगर मैं इसको मान लूं कि अगर 1 साल में भी अगर 1 लेवल करोगे आप, तो कितने साल में हो जाएंगे, 18 साल में कितना पैसा हो चुका होगा, 100 करोड़ कौन कमा रहा है यहाँ पे? लेकिन हमारी सोच वहां तक नहीं जाती, हम 18 साल का प्लानिंग नहीं बना पाते काम करने की। हम लोग आज की प्लानिंग बनाते हैं कि आज हमने काम किया, आज पैसे आ जाए। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस पहले आपका पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है, आपकी चाहत मांगता है, आपकी तड़प मांगता है कि आप में चाहत कितनी करने की। बात समझ में आ रही है? और अगर आपके अंदर चाहत है, पेशेंस है, तो ये 100 करोड़ का बिजनेस प्लान है। और मैं कहता हूं 18 साल छोड़ दो, 5 साल भी अगर टिक्के कर लोगे तो 18 छोड़ दो, मैं कहता हूँ 2-4-5 करोड़ भी आ गया, 1 करोड़ भी आ गया ना।